हेलो एंड वेलकम टू आरजे पायल्स किचन। यहाँ चल रही है हमारी पराठा सीरीज, जहाँ हम आपको बता रहे हैं 30 अलग अलग वैरायटी के पराठों की रेसिपी। और आज बारी आती है द किंग ऑफ ऑल द पराठाज, आलू का पराठा। रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फिलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए पैन में हम लेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, साथ ही डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, या तब तक जब तक प्याज जो है वो पिंकिश ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इन्हें 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। लगभग 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बॉयल और मैश किए हुए आलू, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा, सब कुछ अच्छे से मिक्स होना चाहिए और आलू भी अच्छे से सिक जाने चाहिए। ये मसाला जो है वो काफी टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया की पत्तियां और दोबारा हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमारी जो फिलिंग है वो बनकर एकदम तैयार है। जो आटा है वो हमने पहले ही लगा कर रखा था और उसे सेट होने के लिए छोड़ दिया था। 1-2 मिनट के लिए इसे और मसल लेंगे और अब इसका थोड़ा सा पोर्शन हम लोग हाथ में लेकर इसका एक पेड़ा तैयार कर देंगे, यानी कि आटे की लोई बना लेंगे। अब इस आटे के पेड़े को हम लोग सूखे आटे में लपेट लेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। इसे जो पूड़ी का साइज होता है उससे थोड़ा सा बड़ा बेलना है। अब जो ये मसाला हमने तैयार किया है आलू का, इसका 2 से 3 चम्मच मैं अपने हाथों में लूंगी और इसकी इस तरीके से हम बॉल तैयार कर लेंगे। अब इस आलू की बॉल को हम रोटी के बीचों बीच रखेंगे और इसे इस तरीके से प्लेट्स बनाते हुए पैक कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसकी पोटली तैयार करनी है। ऊपर से इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हमें निकाल देना है और इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि मसाला हर जगह फैल जाए। दोबारा सूखे आटे में लपेट लेंगे और इसका हम पराठा बेल लेंगे। पराठा जब भी बेलें हल्के हाथों से ही बेलेंगे। ये देखिए, पराठा बेलकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम तवे को गर्म करेंगे और गर्म तवे पर ही हम इस पराठे को रख देंगे। लगभग 1 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे, घी लगाएंगे ऊपर से, आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, और दोबारा इसे हम पलट देंगे। दूसरी तरफ भी हम इस पर घी लगाएंगे और दोनों तरफ से पलट पलट कर, आहा, क्या बढ़िया पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम करारा, आहा, देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और जरूर से इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी जरूर से प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।